वो वेल्डिंग प्लांट है जिससे कि हमारा ना बर्थ वैली का काम स्टार्ट होना है। ये है जी बर्थ वैली का डोर। तो फाइनली दोस्तों हमारी बर्थ वैली पे सलाम है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना फाइनली हमारी बर्थ वैली का काम स्टार्ट होने लगा है। दोस्तों हमने ना सुल्तान को बाहर निकाल दिया हुआ है, डायमंड दोस्तों धूप में रखा हुआ है, और ये देखे छोटू गैंग बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं बाहर रहने के लिए। मूली के पत्ते दोस्तों हम ले आए हैं, दोस्तों पिजन्स की राइट में ले आए हैं। ये देखे पिजन्स की राइट हमने इधर रख दी हुई है। जल्दी से दोस्तों अब ना इनको डाल देते हैं। सुबह के टाइम दोस्तों हम ना इनको रोटी के टुकड़े डालते हैं, तो जल्दी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके ना इनको डाल देते हैं। ये देखे कितने ज्यादा बेसबड़े हो रहे हैं, ये सारे के सारे। छुटकू भी माशाल्लाह से अब बड़ा हो चुका है, मुझे लगता है कि ये ना दोबारा से अंडे देने वाले हैं। जिसका दोस्तों हमने ना पानी भी चेंज कर दिया हुआ है। तो सुल्तान हमारा दोस्त डाइट का ना इंतजार कर रहा है, कब डाइट मिलेगी अभी दे देते हैं। उससे पहले ना हम छोटू गैंग को खोल दें। तो छोटू गैंग तुम जल्दी से ना बाहर आ जाओ। ये देखे दोस्तों कितनी ज्यादा इनकी स्पीड है निकलने की, करते हैं बस। इनको दोस्तों पता है कि साथ वाले केज में मूली के पत्ते हैं, तो जल्दी से भाग के सारे उधर गए हैं। कालू तू मेरे पास आ गया। हम डीडमटी को भी दोस्तों बाहर निकाल देते हैं, ये भी सीधा जो है ना मूली के पत्तों के पास जाएंगी। दोस्तों बाड़ी है चिली मिली की, तो जल्दी से ना दोस्तों इनको भी खोल देते हैं। लॉग इनका खुल गया है, और चलो तुम भी बाहर आ जाओ। ये देखिए दोस्तों रात को ना मैंने ना इनके केज में ये शोपर लगा दिया था सर्दी से, और ये देखिए क्या हालत कर दी है इन्होंने शोपर की। इधर से दोस्तों मूली के पत्ते पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ना खुद भी बाहर निकाल देने हैं फाड़ के शोपर। तो इनको दोस्तों ऐसे करते हैं, इधर रखते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने ना सारे के सारे ना मूली के पत्ते बाहर निकाल दिए हैं, अब जल्दी से ये खुद ब खुद ही इस केज में आ जाएंगे। कालू दोस्तों मेरे पीछे ही आ जाता है। कालू तो कहीं कैमरे में ना घुस जाना। आजकल दोस्तों ना मिली ने अंडे देने छोड़ दिया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब ना ये बात मिली से ही हम पूछ लेते हैं। हाँ भाई मिली अंडे क्यों नहीं दे रही तुम? हाँ मुझे बता रही है दोस्तों, मिली ने ना मुझे कान में बता रही है। वो कह रही है एक दो दिन मैं रेस्ट करूंगी, और बाद में आपको मैं एक फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा सा अंडा दे दूंगी। आज दोस्तों वेल्टर भाई ने ना हमें 12 बजे का बोला हुआ है, और अभी दोस्तों 10:45 हो रहे हैं। जैसे ही दोस्तों वेल्टर भाई आएंगे बर्ड दवाड़ी का काम शुरू करेंगे, तो मैं A to Z दोस्तों आपको सब कुछ दिखा दूंगा। दोस्तों फिर से ना सुल्तान डायमंड के साथ ना पंगे कर रहा है, पीछे हो जाओ। शुक्र है दोस्तों अभी तक ना इनकी ना इस वाली डाइट पे नजर नहीं पड़ी। तो जल्दी से दोस्तों ना ये देखें अभी कहा ही है, मिली की नजर पड़ रही है। जल्दी से ना दोस्तों इनको ना इधर ये वाली साड़ी की साड़ी डाइट डाल देते हैं। पिजन्स ने तो अपनी खा ली, अब ये भी अपनी खा लेंगे। और भाई अभी इसमें कुछ नहीं है, ये देखें इसको लग रहा है फिर से इसने ना कुछ देखा है इधर। इसमें कुछ नहीं है, साड़ी की साड़ी डाइट नीचे है। मिली जल्दी से खाओ उधर। अभी तो दोस्तों हमारे ना साड़े के साड़े पैड्स खा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ना बेसब्री से इंतजार है कि हमारी इस वाली मटकियों में ना कब जो है ना परिंदे आना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों मुझे ना उस दिन का इंतजार है। एक और दोस्तों हमने ना आपको बहुत बड़ा सरप्राइज ये देना है कि हमारा ना 7 बर्थ वैली का काम तो शुरू हो ही रहा है। अब दोस्तों हमने ना इधर इस वाली जगह पे भी एक आपको सरप्राइज देना है। इस वाले बांध से लेके दोस्तों इस वाली दीवार तक ना एक बहुत ही प्यारे परिंदे का ना घर बनने वाला है। तो आप गैस करो कॉमेंट सेक्शन में, हमें बताओ कि वो कौन सा परिंदा है। तो दोस्तों अब जो हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं ना, ये दोस्तों जो भी करेगा हमारी कॉपी करेगा, हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। आप ना डेट नोट कर लो, फिर आप लोग बोलते हो कमेंट सेक्शन में कि आपने कॉपी की है। दोस्तों आज आप डेट नोट कर लो, जो भी कॉपी करेगा हमारी कॉपी करेगा, ये वाली चीज देख के। इससे पहले ये वाली चीज यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बनाई। तो दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं, और मैं अपने पेट्स के लिए ना तूड़ी ले आया हूँ। दोस्तों मैं गया हुआ था पेट मार्केट, उधर से दोस्तों मैं दाना और तूड़ी दोनों ले आया हूँ। तो ये देखे दोस्तों ये इधर है। जल्दी से दोस्तों दाने को बाल्टी में डालते हैं, और तूड़ी को दोस्तों इनके ना केजेस में डाल देते हैं। तो दोस्तों अपने दाने को ना बाल्टी में डाल देते हैं, और ये ने दोस्तों ने ना दाने को जो है बाल्टी में डाल दिया हुआ है। तो ये छापड़ को भी दोस्तों बाहर निकाल देते हैं, और अब दोस्तों तूड़ी बारी बारी करके ना इनके केजेस में डाल देते हैं। ये दोस्तों वो वेल्डिंग प्लांट है जिससे कि हमारा ना बर्ड्स वैली का काम स्टार्ट होना है। तो उन्होंने बोला मैं आधे घंटे तक आया, आप वेल्डिंग प्लांट को लेके अपने मिनी जू में चलो। आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको बर्ड्स वैली बनती हम दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, नीचे हमारी बर्ड वैली का काम स्टार्ट है। जैसे ही बनती है मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ साथ मैं ना क्लिप्स भी आपको दिखाता जाऊंगा। हमारी बर्ड वैली का काम स्टार्ट हो गया भाई, काम हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों भाई ना काम हो रहा है, हमारी बर्ड वैली ना हाफ कम्प्लीट हो चुकी है। आपको मेरी आवाज हो सकता है ना सुनाई दे रही हो। ये देखे दोस्तों चिलमिली भी दोस्तों जो है ना डरे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये ना। तो फाइनली दोस्तों अभी ना वेल्डर भाई सारा का सारा काम मुकम्मल कर जा चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों जिस चीज का मेरा कब से इंतजार था ना, वो चीज आज मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 3 2
ये देखे दोस्तों, ये देखे हमारी ना बर्थ वेरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों आज हमने ना इसका नाम भी चेंज कर दिया है। दोस्तों हमने एक ऐसा नाम चुना जो कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं रखा हुआ, हमने काफी ज़रा सर्च भी किया है। तो दोस्तों हमने इस केज का नाम रखा है जी पैरेट सिटी। दोस्तों ये कॉमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि ये नाम आपको कैसा लगा। सबसे पहले दोस्तों अपने कॉमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लाजमी लिख देना है। आए दोस्तों अब मैं आपको ना पैरेट सिटी का ना अंदर से विजिट भी करवा देता हूँ और सारा दिखा भी देता हूँ। ये देखे दोस्तों ये हमारी पैरेट सिटी है, बहुत ही दोस्तों हमने ना नाजों के साथ इसको बनवाया। ये देखे दोस्तों ये इसका डोर है और ये देखे अभी ना इस पे पेंट होने वाला रहता है और नीचे से ईंटें भी लगने वाली दोस्तों भी रहती हैं और अभी दोस्तों इसकी जाली भी लगने वाली रहती है और अभी छत का काम भी दोस्तों थोड़ा सा रहता है। और ये देखे दोस्तों एक हमारा ना गैप रह गया थोड़ा सा ये वाला, दोस्तों कोई बात नहीं रहना जाली लग के ये भी कवर हो जाएगा। दोस्तों इसकी फाइनल लुक नहीं निकली, अभी इसका पेंट भी रहता है, जाली भी रहती है, अभी छत का काम भी रहता है, नीचे से भी रहती है। जब इसमें हम पैरेट्स छोड़ेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों ये प्यारी लगेगी। तो आए दोस्तों भी ना इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर जाकर कैसा महसूस होता है। चले दोस्तों चलते हैं। ये देखे दोस्तों अभी ना मैं अंदर आ रहा हूँ। ये देखे दोस्तों हम ना अंदर आ ही चुके हैं फाइनली। और ये देखे माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी बनी है दोस्तों। इधर देखे हमारे पैरेट्स इजीली बैठेंगे। और ये देखे दोस्तों मैंने ना एडवांस में ना इसकी स्टिक भी लगा दी है। अभी ये सारा सारा ना अभी ये आप समझ लें कि हाफ काम हुआ है हमारा, हाफ काम दोस्तों भी रहता है। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ना अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों इसके अंदर आकर। और ये देखे दोस्तों हमारे ना पैरेट सिटी का ना दरवाज़ा भी हमने काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बड़ा बनाया है। ये देखिए ये अंदर को भी नहीं आएगा दरवाज़ा और बहुत ज़्यादा दोस्तों प्यारी बन गई है हमारी पैरेट सिटी। ये देखिए दोस्तों एक हमारा ना ये वाला गैप रहता है, इससे ना बंदे की गर्दन इजीली बाहर आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों अभी मेरी गर्दन ना बाहर ही है, आपको कैमरे में हो सकता सही ना दिख रही हो। और ये देखिए दोस्तों जो हमारे ना नेबर्स ने ना इधर दरख्त काटा था ना वो भी अभी ना इधर ही पड़ा हुआ है। और ये वाला गैप दोस्तों रहता है, तो अभी दोस्तों मैं ना निकल जाता हूँ इसमें से, एहतियात से दोस्तों निकलना पड़ता है कहीं ये अगर बच गया ना ये वाला तो गर्दन। तो ये देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा एक काम मुकम्मल हो चुका है। और अब जल्दी से दोस्तों इसमें से ना बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये भाई बाहर आ गए और अब इसका गेट भर देते हैं बंद। बाकी दोस्तों हमारे सारे के सारे पैट्स माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, इनको मैंने ना डाइट वगैरह अंदर ही डाली हुई है। ये देखे दोस्तों सुल्तान के केज में भी डाइट पड़ी है और इन सब के केज में डाइट पड़ी हुई है, इन सब ने ना खा भी लिया हुआ है। और पिजन्स के केज में भी दोस्तों मैंने डाइट एक्स्ट्रा रखी हुई है। दोस्तों अब ना अपने छुटकू को हम देख लेते हैं कि छुटकू हमारा कितना बड़ा हुआ है। ये देखे माशाल्लाह दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये देखे दोस्तों अब तो ना आगे से ये मारता भी है, बहुत बदमाश हो तुम। अब दोस्तों मैंने ना आपके साथ एक दो बातें शेयर करनी है। मैंने सोचा पैरेट सिटी के ना अंदर ही आगे आपके साथ ना शेयर मैं करता हूँ ये बातें। दोस्तों मैंने ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ना सीरियस बातें करनी है, अब मजाक से हटके एक बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने हमने जो है ना पैरेट सिटी भी बनाई है और साथ में जो है चिकन कूप भी बनाया है और उसके साथ में दोस्तों पिजन केज भी बनाया। तो इस पर जो है ना एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हमारा आ गया है, खास करके इस पर तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हमारा आया है। और अभी भी दोस्तों ना इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई, तो अभी हमारा जो है चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो हम जो है चीज़ें तो बनाते जाएंगे, चीज़ों में तो मतलब पैसों का कोई इशू नहीं है। मतलब बात मेरी ये है कि यार कल ना मुझे दो कमेंट्स आए रात को, मैंने ना चेक किया तो 10 बजे का टाइम था। तो आगे पीछे अच्छे अच्छे भी कमेंट आते हैं आप लोगों के, माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी फैमिली है यूट्यूब की। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको ना मैं साइड पे ना स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो मेरे ख्याल से आज से पहले यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं होगा, चाहे वो पेट्स ब्लॉगर हो चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, मुझे इससे नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी ब्लॉगर नहीं होगा कि जो अपनी इंसल्ट होने पर आप सबको बताएँ। मैंने आपको फैमिली कहा नहीं है बल्कि माना भी है और आप मेरी फैमिली है और मेरा हक बनता है कि मैं आपको हर एक बात बताऊं। तो जो भी भाई ने उन्होंने मतलब कमेंट्स ऐसे किए हैं मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा इंशाल्लाह, आपको दिखाऊंगा भी। अपनी इंसल्ट होती कोई नहीं दिखाता लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि यार देखो अगर पूरा दिन कोई बंदा वीडियो बनाए और बाद में उस पर दो मतलब ऐसे कमेंट्स आ जाएँ तो वो डीमोटिवेट हो जाता है ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट्स ना किया करें। और अगर वो भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो जिन्होंने कि ये कमेंट्स किए हैं तो मैं उनसे मतलब मेरी कोई शिकायत नहीं है, उनको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो वो मुझे बता दें कि मैं जो है वो अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर कर सकता हूं जो कि आपको अच्छी लगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है आपको इंटरटेन करना, और आप मुझे बता दें कि मैं आपको और जो है वो किस तरह से इंटरटेन कर सकता हूँ। तो हम जो है ना वो और चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह। आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स किया करें, देखें यार मैं आपका छोटा भाई हूँ आप मेरे बड़े भाई हैं, या फिर मैं आपका बड़ा भाई हूँ आप मेरे छोटे भाई हैं या बहन है, तो यार मैंने आपको एक फैमिली समझा है और
हमारे इस मिनी लू में बनाने में जो है ना एक ही मकसद है, आपको इंटरटेन किया जाए, आपके चेहरे पर 2 मिनट की जो है वो मुस्कुराहट लाई जाए और कोई भी बंदा हमारी वीडियो को देख के खुश हो, हमारा सिर्फ यही मकसद है और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो बात यह है कि यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी बेहतर वीडियोज़ बना सकें। तो मेरा उन भाई से कोई गिला शिकवा नहीं है यार, बस आपको बताना था कि यार ऐसे कमेंट्स ना किया करें और आप हमें ये भी बताया करें यार आप हमारे सीनियर भी हमें देखते हैं, हमारे सीनियर भी कोई है जो हमें देखते हैं तो यार वो आइडियाज़ भी देख सकते हैं कि हमारी छत आप देख लो यार, छोटा सा मिनी जू है अभी कुछ इतना बनाया नहीं है, आप देखते रहते हो, आप कमेंट्स किया करो कि ये वाली जगह पर ये बनाओ, जैसे कि अभी हमारे पास ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह भी खाली है, वो चारपाइयाँ पड़ी हैं उधर भी हमें अपने मिनी जू को बढ़ाना है। तो दोस्तों पूरी छत आपके पास है, आप कमेंट्स किया करो कि क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए अपने मिनी जू में जिससे कि आपको इंटरटेनमेंट मिले। तो बस यही मेरा छोटा सा एक पैगाम था यार। तो यार बात यह है कि हमारे चैनल को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी ये जो अच्छी सी ब्यूटीफुल सी छोटी सी फैमिली है ना ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए और हम इस मिनी जू को और भी अच्छा बना सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ हमने बना लिया जबकि ये सब कुछ पहले नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी से किया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली बड़ी फैमिली में तब्दील हो जाए। तो दोस्तों मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, अपने रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।